मेरे पेपर जैसा कि आपको पता है एंड हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ इकरा की तरफ। इकरा मेरे घर आई थी कड़ी खाने और इसने खा ली मोहतरमा ने और हम घर जा रहे हैं। बारिश हो रही थी हम इसलिए निकला है। हमने सोचा हम जल्दी चल पड़ते हैं, जाना तो हमने मुल्तान था लेकिन अब हम इसके घर जा रहे हैं। और गिर जा। चेक करें मेरी बहन के हस्बैंड के हाल, ये हमें हमारे घर से लेने आ रहे थे और ये हम जब गली में पहुंच चुके हैं तब पहुंच रहे हैं। घर पहुंच गए थे तो इन्होंने हमें पिलाई चाय और उसको देखा। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इकरा का प्रीशियस मेकअप जो ये बहुत मेहनत से कलेक्ट करती है और मैं इसे खुद डांटती हूँ कि इतना मेकअप का क्या करेगी बहन। आजकल असल में इसे क्रेज चढ़ा हुआ है दुल्हने तैयार करने का, वो भी फ्री फंड की। तो जिसने फ्री फंड में तैयार होना हो इसके पास आ सकते हैं। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नहीं डालूंगी। मतलब अगर पड़ोस में इसकी कोई शादी वगैरह होती है किसी की तो ये सोच के उसकी दुल्हन मैं तैयार कर दूंगी, तो इस वजह से मैं कहती हूँ फ्री फंड की दुल्हन तैयार। तो ये फर्स्ट करके अपनी जो चीज़ दिखाना चाहती है क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना छोटा सा पार्लर और बजट में रहकर किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले है मेरे पास ग्लैमरस की फेस मखमली एंड मैट टच प्लस। इसमें है G48 जो है मखमली शेड है और 48 ही मैट टच के शेड हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसके शेड बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आपने पार्लर स्टार्ट करना है अपना खुद का तो आप ये किट ले लें और इसके बाद आपको और कोई भी किट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके मैं आपको स्वेचेस दिखा देती हूँ। और हम जब पहले प्राइमर वगैरह कर लेते हैं तो आप आपको फ्रंट दिखाती हैं कुछ हुदा ब्यूटी के ये पैलेट हैं, मिनी पैलेट हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन दिखाती हूँ ये है ब्लूबी, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडिश है, पिंक एंड रेड टोन में है ज़्यादातर कॉपर। ये जो आपको व्हाइट लग रहा है ये पिंक कलर का है इस कलर। तो ये मैंने चार रखे हैं, कॉपर पिंक के शेड हैं सारे के सारे और बहुत ही अच्छे हैं। इंगेजमेंट मेकअप लुक क्रिएट करनी हो तो ये वाली पैलेट मिनी पैलेट। मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का मैट एंड स्टोव मिनी फेस है, ये मुझे मैंने दराज से बाई किया था ये और 550 रुपीज़ का डिलीवरी चार्जेस है। और जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद मुझसे किसी ने कहा ऑर्डर करने का तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था और अभी तक ये स्टॉक में नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही कमाल का है। इसमें है कंसीलर ब्लशर लिक्विड हाईलाइटर एंड कंटूर। तो आप देखिए लिक्विड कंसीलर लिक्विड ब्लशर हाइलाइटर एंड लिक्विड कंटूर। आप कहीं भी ट्रैवल पे जा रहे हो तो इसे इजीली रख सकते हो निकाल के अपने बैग में। इसके अलावा इसका जो ब्लश है वो बस सही है, लिपस्टिक के तौर पे भी काम, लेकिन ग्लॉसी थोड़ी सी लुक है इसकी। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इसका आपको कंसीलर दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है और इसके दिखाती हूँ मैं आपको, मतलब कि आपको जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हो ना अपने जहाँ पर आपको
आपको क्या लगाना हो। कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद आप कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही परफेक्ट लुक देगा और आपकी आई अंडर आईज एरिया में इसका इफेक्ट बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर है मेरे पास नो हेयर कट क्रीम लॉरियल की ड्रीम लॉन्ग, और ये बहुत ही अच्छी है। मैं इसको बालों पे नीचे टिप्स पे यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है टर्मासेशन का पूरा फेशियल किट, ये स्मॉल फेशियल किट है और बहुत ही कमाल की है। मैंने इसको कोई 5-6 दफ़ा यूज़ किया है, मैं हर वीक यूज़ कर लेती हूँ इसको बगैर ब्लीच के। और इसका जो टोनर है ये ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर, ये बहुत ही अच्छा है। इससे मेरे एक्ने मार्क्स जो हैं वो थोड़े से कम हो गए। और ये है मैक की बेस, ये मैंने हाफ हाफ करके रखी हुई है, जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी। ये दो शेड्स हैं और इन दोनों को मैं मिक्स करके यूज कर सकती हूँ ब्राइड्स पे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ब्यूटी पैनोरामा का ट्रांसलूसेंट लूसिंग सेटिंग पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा मैक का ये तो उसी तरह दो शेड जो हैं ग्लिटर के कट करके रखे हुए हैं, एक मेरी बहन ले गई हाथ हाथ करके इसी तरह। आप हमेशा ऐसे ही करें, ये बहुत फ़ायदा होता है बहनों का कि वो एक्सपेंसिव मेकअप ले लेती हैं मिल के और उसे हाफ हाफ डिवाइड कर लेती हैं, क्योंकि जो हम एक्सपेंसिव मेकअप लेते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। वो कहीं और रहती है और मैं कहीं और, मुझे ये वाला शेड भी अच्छा लग रहा है। अब मैं दो लूँगी अलग अलग, यानी कि 300-300 का एक एक सिंगल शेड है ये, लेकर फिर मेरा फ़ायदा उतना का उतना ही पड़ा हुआ। देखिए तो हमने एक एक शेड लिया और दोनों ने हाफ हाफ कर लिया, तो हमें 300 में सस्ता पड़ गया 600 के बजाय। और यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ शाइनर्स हैं, ये शाइनर्स बहुत ही अच्छे हैं आई शेड के लिए, बहुत ही अच्छे। ये लैक्मी का ब्लैक, और जब ये हम निकालते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। उसके अलावा ये आईब्रोज बनाने के लिए है ब्राउन शेड, जेल शेड है थोड़ा सा, और ये एक गोल्डन शेड है जो कि ब्राइड्स के लिए ही यूज होता है। इंशाल्लाह कोई मेकअप ट्यूटोरियल भी हम लगाएंगे, कोई बंदा मिल जाए जो अपने चेहरे पे हमने मेकअप करवाए। और ये है थोड़ा सा पीची पर्पलिश शेड है इसका, बहुत ही प्यारा शेड है, देखो उठते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ब्यूटी पार्लर का मिनी प्राइमर है जो कि इसके साथ मुझे मिले थे, मतलब पूरा जो सेट मंगवाया था बड़े वाला, इसमें आई थी चीज़ें गोल्ड सीरम, बड़ा प्राइमर। उसके अलावा मुझे कोड यूज़ करने मिले थे 2 छोटे प्राइमर, एक ब्रश और एक ब्यूटी प्राइमर। और यहाँ पर है हमारा ब्यूटी का मैजिक रोज मैजिक जो है, ये टिंट है और ये बहुत ही कमाल का टिंट है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है नज़र आ रहा होगा। दोनों चीज़ पे लगता था आराम से, इसको अगर ये ज़्यादा हो भी जाए आपका तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप 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 करके कम भी कर सकते हैं, या पाउडर लगा ले तो हो जाएगा कम। बोल ले करेक्टर बेस ब्लश एंड कप आउट जो है आपके लिए, यानी कि लिप्स के लिए जो है बहुत सही है, लेकिन बाकी सेंसी बहुत ही अच्छी है। और उसके अलावा इसको मैंने 6-7 दफ़ा अप्लाई किया, मतलब 6-7 दिन लगाया, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद और ग्लो कर दिया। हाँ और मतलब सफेदा वही दादे खाली ब्रश खाली पफ। ब्रह्म क्या कर रहे हो यार? ब्रह्म आप क्या कर रहे हो? चीजें नहीं छेड़ना ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, अपने बालों का हाल देखो क्या किया है।
जी अब दिखाएं क्या दिखाना है आपने। मैंने दिखाना है ये जो पैलेट दिखाई थी, ये मैंने यूज़ की है, बहुत ही अच्छी है। इसके जो ये दो शेड्स हैं ये हाइलाइटिंग के लिए अच्छे हैं, और इसके दो शेड जो आई शेड के लिए अच्छे हैं। ये है मेरे पास जो आपको मैंने दिखाया था, किड्स ब्यूटी का स्वीट कलर ब्लश। इसका शेड बहुत ही प्यारा है, नेचुरल सा ब्लश है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। पीछे पीछे प्यारा शेड है, इब्राहिम नो। ये है मेरे पास फ्रेंड्स लिक्विड लाइनर, एक का किसी का ब्रश दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं लिक्विड लाइनर। ये देखिए देखिए सारे के स्वेचेस कर ले, ये इसके स्वेचेस हैं। इन सब का ब्रश जो है बहुत ही पतला सा है और बहुत ही अच्छे लाइनर लगते हैं, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे। उसके अलावा ये लिक्विड हाइलाइटर है, ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, नेचुरल से लुक देते हैं। वेरी नो मामा को देख देख के उसने भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, वो देख हाथ पे ब्लेंड कर रहा है। इब्राहिम कहते हैं हैंड पे कैसे ब्लेंड करते हैं, ऐसे करके। ये है कुछ हुदा ब्यूटी के एंड फेंटी ब्यूटी के मैक के लिप ग्लॉस, इनके मुझे वाले सारे शेड जो बहुत पसंद है, ये वही वाले शेड। इसके मैं आपको शेड नंबर जो है खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक का इसका नंबर है, उसका कलर बहुत ही अच्छा है। ये कुछ लिपस्टिक्स हैं मेरे इब्राहिम, छोड़ दो वापस रखो, वापस रखो उसको। मेरे इब्राहिम हैंड पे कैसे लगाते हैं, जल्दी से रख। मामा कैसे लगा रही थी हैंड पे, ऐसे ऐसे। अच्छा अब छेड़ना नहीं आप, ठीक है, कुछ भी अब छेड़ना नहीं। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अच्छा ये लिपस्टिक का शेड दे दो, रेड उसका शेड है, बहुत ही अच्छा मेकअप हो जाता है। थोड़ी कवरेज कम है लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी है। मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ, ये मेरे पे बहुत सूट रहती है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है और कोई भी बेस मुझे सूट नहीं करती, बट ये दोनों मुझे कर जाती हैं, दोनों फाउंडेशन। कंसीलर है, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये एक यंग कीना का डायमंड आई शेडो है, जो कि है शेड 04। शेड नजर नहीं आ रहा ये, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं जो है सिंपल सिर्फ ये ही शेड लगा कर भी मेकअप कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा सा लगता है
ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही कमाल लगता है इसका फ्लैश, आपको नजर आ रहा होगा। मैट पोरली फाउंडेशन, इसका शेड जो है वो है, शेड यहाँ से गायब हो गया है, 110 साइज इसका शेड, नॉर्मल टू ऑयली एंड नॉर्मल अग्री थी, ये रहा इसका शेड 110 लिखा हुआ। इब्राहिम ने इकरा के हुदा ब्यूटी के सारे शेड ट्राई कर लिए। इब्राहिम आपके साथ ही हो गए हैं तो आप मेहरबानी ये फ्रेंड्स, ये मैंने ली थी एक बहुत ही लोकल सी शॉप से, 60 रुपीज की आई शेडो पैलेट, और इसके कलर्स इंतहाई खूबसूरत है, लाइक हम जो फंक्शन में कलर्स आते हैं ना हमारे ड्रेसेस, सब ड्रेसेस के साथ मैच हो जाए वैसे कलर लें। अगर आप सिंगल सिंगल शेड भी लगा लेंगे तो आपका आई शेडो बहुत ही खूबसूरत है। ये उन लड़कियों के लिए जिन्हें मेकअप करना नहीं आता, वो अगर सिंगल भी लगा लेंगी ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मैं, मुझे शौक भी नहीं है, आई लव माय सेल्फ नेचुरल। मेरे पास यहाँ पर एक ये है द बाम ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, इसमें 3 शेड हैं, आधा बेचारा टूट भी चुका है इसका, मेरा भी बिल्कुल टूट चुका है। ये हाइलाइटर वाकई में बहुत अच्छे, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसलिए ये ख़त्म हो चुका है। ये हाइलाइटर गोल्डन शेड का है, ये पीची पिंक शेड है, पीची पिंक शेड से ना बहुत अच्छी लुक आती है बनिस्बत वाइट शेड के या ब्राउन शेड के, यहाँ बहुत हल्के लग रहे हैं लेकिन असल में बहुत ज्यादा गोल्डन हाँ। शेड है ना वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, पीच ये दोनों मिक्स करके अप्लाई करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक ये हुदा ब्यूटी के ही पैलेट है, ये सेकंड कॉपी है, सेकंड कॉपी क्योंकि मैंने ली थी शायद 1000 रुपीज तक की, और इसके आपको सारे शेड नज़र आ रहे हैं। इसका ग्रीन शेड मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने इसको ब्रश करके नहीं देखा, और ये पर्पल शेड। इब्राहिम मामा आपको डांट नहीं रही तो मतलब आप सुधरोगे नहीं? इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी हमें, ये हमारी सीख लेगा या हम इसको सीखेंगे। ये हुदा ब्यूटी के जो शेड हैं ना, ये मेरे आधे इब्राहिम ने तोड़ चुके हैं मतलब कि इब्राहिम इसको तोड़ चुका है। इतना मैं बोलती हूँ ना, मेरी लैंग्वेज की जबान से पल जाती है, मैं कुछ भी बोल टंग ट्विस्ट आप करने के माँ को देख देख के सभी मेकअप का शौक हो गया। देखिए वहाँ पे मैंने सारे ज़्यादातर डीप के शेड्स हैं, और इसके जो मैट शेड्स हैं ना सिर्फ ये इस लाइन में मैट शेड्स हैं, यहाँ एक तो सुनने जाती है छा, और ये आर्ट, ये आर्ट जो मैंने ट्रांजेक्शन से शेड्स मैंने आपको आप लिप पर अप्लाई करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे जो हैं आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। स्मोकी आई मेकअप टाइप के जैसे समझ गए आपकी, वो वाला शेड ना मुझे हाईलाइटर के तौर पर, और ये वाला ये हाईलाइटर के तौर पे यूज़ करती हूँ, बाकी शेड जो है वो नॉर्मल यूज़ हो जाता है। ये मैंने कोई 1600 या 1800 तक की बाय की थी, और जो ग्लैमर की बाय की थी वो मैंने की थी 1600 की, लेकिन अब वो मैंने एक शॉप पर बताया हूँ तो 1300 की देने की। बहुत सारे ब्रशेज हैं, ब्रशेज का क्रेज है मेरे पास, एक ही लाइनर है जो कि बहुत ही सस्ता है, इसके जो ये आप चौड़ा भी लगा लो, पतला भी लगा लो, जैसा भी लगा लो, बहुत ही अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है, अभी बहन भी है आपका मेकअप, ये रोज तो ऐसा नहीं करता है वैसे इसका मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं रखा होता, आज मैंने ही रख दिया। और इसमें जो ब्रशेज हैं कभी करते ना मुझसे टूट जाता था, इसका सिर्फ हैंडल नीचे का ना इतना सा था, तो मैंने इसका लिपस्टिक सफा लिया, पेंसिल शेप का लंबा सारा कर दिया।
से ब्लीच लगाना बहुत ही आसान है। और बाकी सारे ब्रश जितने भी ब्रश वो सारे नॉर्मल यूज करते हैं। और ये जो है ब्रश इनमें सारे ना न्यू शेड्स थे, उसमें मैंने थोड़े 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 रेड ऑरेंज पिंक शेड मिला मिला कर इनका कलर चेंज किया हुआ है, अपने मतलब के शेड बना दिए। डेली बेसिस पे जो मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश वो है ये निविया का और क्यूट प्लस का, तो बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स सारा मटेरियल आप देख चुके हैं और मैं आपको उसको दिखाती हूँ जो मैंने किए थे। ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से पक्के हो जाते हैं कि मैं इसको जितना मर्जी रगड़ लूँ खराब नहीं होंगे, बहुत देर में होंगे। और ये गोल्डन शेड और ये इसकी बैंगल्स कलेक्शन भी है, कुछ सिंपल फैंसी और कुछ फंकी बोहेमिया स्टाइल की। बाकी ये मैं बताती हूँ, ये हैं इसकी जो इसने शादी के बाद ली है, ठीक है? नहीं ये शादी के पहले की भी हैं। और ये वाली मुझे याद है, अभी भी याद है, ये शादी से पहले ये कड़े पहनती थी इस टाइप के, ये वही कड़े, वही कड़े हैं जो ये मरी से लाई, ये वही कड़े मरी से वाले लाई थी। अच्छा, लेकिन वो ऐसे थे नहीं, उसके ऊपर बीट्स लगे हुए थे, वो थे सही। बट इसे पहले ना बहुत ज्यादा मल्टी रहने का शौक था, आप देख सकते हैं पहले के दौर में ना, जब और अब इसे गोल्डन वाइट, आप ये देखें ग्लिटर्स मेकअप सजना सवरना सब कुछ। इब्राहिम से पहले मेरी चीजें कबाड़े हैं, थोड़ा सामान खा लूं। और हम करते हैं बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। इब्राहिम बाय बाय करना, बाय करना, अल्लाह हाफिज़ कर दो।